हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं RDR2। और यार मुझे पता है कि हम लोग गेम अब काफ़ी समय बाद खेलते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर हाँ अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। और एक बार ही तुम लोग ये देखो, तुमको पॉइंटर आ रहा होगा, यहाँ पर लिटरली एक रेनबो बना पड़ा है जो कि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ RDR2 में। और अगर ये इधर है तो फिर ये इधर भी होगा, देखो इस साइड पे नहीं है, जबकि रेनबो पूरा ऐसे सेमी सर्कल में होता है। इस साइड है पर उस साइड नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स थे जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर अभी वो ख़त्म हो गए हैं। तो हाँ अभी वीडियो आने वाली है कतई धड़ाधड़। तो एक्चुअली मैं भूल गया हूँ कि लास्ट वाले एपिसोड में क्या करा था, पर फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान है कि मैं, डच और हम लोग कहीं पर गए थे और क्या बोलते हैं, एक बंदे के घोड़े बचा के लाए थे हम लोग किसी, क्या बोलते हैं अपने, ये एक बोट में से। और फिर वो बोट क्रैश हो गई थी और हम लोग घोड़ों को फॉर्चुनेटली सेफली इवैक्यूएट करके वापस ले आए थे। और अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पे जॉन के पास। अब मुझे पता है कि मैं जो हूँ, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, मेरे को याद है कि अपन लोग इस वीडियो में रेन्सफॉल वाला मिशन करने वाले हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो, और जॉन वाला मिशन पास में ही है। तो एज यू नो कि आलस सभी बंदे में भरी होती है, मतलब मेरे में तो बहुत ज़्यादा, तो मैं जो पास है मैं वो कर रहा हूँ। तो ये रहा जॉन, इसने जो अपने एक्सप्लोजिव्स भरने थे वो भी भर लिए हैं अपने कार्ट में, और शायद हमको अब इसी ट्रैक पे इन्हें प्लांट करना है। तो चलते हैं सीधे जॉन के पास और वो क्या बोल रहा feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... मैं और आर्थर दोनों को ही ऐसा लग... मैं और आर्थर... मैं क्या गधा हूँ? मैं और जॉन दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि डच बदल गया है। और पीछे एक्सप्लोजिव रखे थे, तो या ये जो चीज ये लोग निकाल के पीने वाले थे, ये नहीं पीनी चाहिए। It's like he just wants to create more enemies. More chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? What reason you got to stick around at this point? It's done. I don't see no way out of any of this. What about loyalty? That's long been broken. Then what are you gonna do? Gotta see this through. Try and make some of it right. There was a code we had. Gotta still mean something. Sure, I know, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. बात तो सही है. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. ओके तो एज यू नो जॉन की एक पूरी फैमिली है, तो आर्थर ने उसको बोला कि अगर यहाँ पे बात थोड़ी और बिगड़ती है तो तुम चुपचाप से भाग जाना। ओके अपने को इसको पुश करना है। बढ़िया पहुंच गए, बहुत सही। काफी टाइम लग गया यहाँ तक आने में। We'll need it. Get the first dynamite crate. Okay. Alright. Let me know. Pick up crate. Badiya. Got it. Ready when you are. That's the spot. वहां से यहां तक इससे तो पैदल ही आ जाते हैं। I'm at the bottom of the ladder here to your left. Lower the crate down. ठीक है? Lower. ये ले. Let's get moving here, Arthur. All right, take it slow. Yellow. That's not something we want to drop. चुपचाप पकड़ ले एक बार में, ज़्यादा नखरे मत दिखा। इसको भी उठा लेते हैं और दे देते हैं जॉन को। Okay, let's go. Nice and easy. बढ़िया, ये वाली क्रेट भी दे दी। अब मेरे को नीचे जाना है, ठीक है।
बढ़िया ये पहुंच गए नीचे Grab yourself a bundle from the box. ठीक है. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each. No problem. पिलर्स पे अपने को डायनामाइट प्लांट करना है ताकि जब हम इसको ब्लास्ट करें तो ये एक बार में पूरा ब्रिज फट जाए. ठीक है. पर इतने से डायनामाइट से हो जाएगा? वैसे मेरे एक्सपीरियंस से जितनी भी देर मैंने आईडिया टू खेला है हो तो जाना चाहिए. भागो भागो भागो. अरे मैं आ गया आ गया. ये वाले खंभे पे अपने को लगाना डायनामाइट. थोड़ा जल्दी कर ले भाई मेरे. उछल उछल के जाऊंगा. अरे भाई ज्यादा ही उछल लिया मैं. This is enough to blow it. These are mine in charge. They're easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Okay, तो ये माइनिंग वाले हैं. फिर तो ये डेफिनेटली फोड़ देंगे. क्योंकि ये वाले जो बम है ना जो अभी अपने पास है ये माइनिंग में यूज़ होते हैं. और तुमको मालूम है कि माइनिंग में तो सीधे पत्थर ही तोड़ने पड़ते हैं. तो अगर ये बम पत्थर तोड़ देते हैं तो ये तो टूट ही जाना चाहिए. और मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये पता था तो ये ज्ञान मैंने फालतू दिया. पर नो प्रॉब्लम. क्या हो गया? ठीक है. क्या हो गया? ओ भाई ट्रेन आ रही है. अरे आ रहा हूं ना. अबे नीचे का जो आ रहा है पागल है क्या आर्थर? यार एक्चुअली ना ये मिशन फेल जाने वाला है क्योंकि मेरे को ये शिफ्ट वाला ट्रिक समझ में आया ही नहीं है. तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको 3 बार फेल करके स्किप करने वाला हूँ. और मैं चाहता तो नहीं हूँ ये करना पर ये आ गया वापस स्टिकी कीज वाला. मैं नहीं कर रहा यार ये. मैं स्किप कर रहा हूँ कसम से. स्किप चेक पॉइंट. राइट शिफ्ट करना है ना मेरे को. ठीक है मैं नहीं कर रहा. ये भले मेरे को पॉइंट्स पॉइंट्स कम मिले पर मैं नहीं कर रहा. ठीक है पहुंच गए. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Okay, तो अभी अपने को यहीं पे blow भी करना है. Follow John. जल्दी चलेगा भाई मेरे. I think the line held. आ जाओ. You want the honors? Yes, sure. I want. Okay, ready guys. 3, 2, 1. बूम. ओ भाई क्या बात है. मजा आ गया. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John. When the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that caused. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Okay. Go. Don't look back. यार जॉनी एक सही बंदा था गैंग में. और अगर ये चले जाएगा तो मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगेगा. तुम लोगों को कैसा लगेगा लगेगा कमेंट में जरूर बताना. For a silly idea. It don't even exist.
Hell you mean? You know just what I mean. You need cash. You got a family. I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Will you tell her she better make sure? And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I am starting to see things clearly now. I ain't being taken for a fool no more. Now get out of here. ओके तो यार दोस्तों, ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, ये अगर देखा जाए ना तो काफ़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन थी, क्योंकि आर्थर जैसा लॉयल बंदा अगर डच को ऐसे मतलब धोखा देने की बात कर रहा है तो इसका मतलब डच तो सही में कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है। और बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए सारे सीन यहाँ पे, और मेरा मुंह फूट गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुमको वीडियो ज़रूर से अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़, जैसा कि तुम लोगों को पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहती है, उसको भी जाके फॉलो मार देना। तो बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।